أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله. اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا اور نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے
सदकल्लाहु अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम समा टीवी देखने वाले तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा सलाम और हमारी होस्ट मदिया अस्सलामु अलैकुम आपको भी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कारी साहब स्पेशली जो हमारे कामरान सरवर्दी साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने आयत अथहीर का जो है माशाल्लाह वो उसकी तलावत की। और क्योंकि आज हमने आयत अथहीर की बात की है तो क्यों ना उस ताहिरा के हवाले से बात की जाए कि जिसकी तहारत की जो गवाही है वो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आज दीन की बात में हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिसका जो घराना था वो ये नहीं कहूँगी कि दीन ही था बल्कि वो दीन का घराना था। बेशक बेशक वो दीन का घराना था। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब आंखें खोली तो दीन की आगोश में खोली, एक ऐसी शख्सियत कि जिसने जो ज़िंदगी जी वो मंबाए दीन थी, और एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना सारे का सारा घराना अपनी प्यारी पाक औलाद भी दीन के लिए कुर्बान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात कर रहे हैं आज उस ताहिरा की। बेशक बेशक, एक ऐसी बीबी जिसके जिक्र से हमारी ये महफिल मुनव्वर होगी, तैयबा ताहिरा आतिका जाहिदा और क्या क्या मर्जिया उम्मे अबीहा अबीहा, और ऐसे खूबसूरत नाम इस बीबी के, और क्या हमारी मजाल कि हम उनका जिक्र कर सके। लेकिन हमारी एक कोशिश कि आज उनकी बात करके हम अपनी दुनिया और आखिरत संवारें, इस महफिल में उनका जिक्र करके इस महफिल को मुनव्वर करें और ऐसा काम करें कि दुनिया और आखिरत में हमारा कुछ हिस्सा ये हो जाए कि बीबी को हमने सलाम पेश किया और उनका जिक्र पेश किया। कितनी प्यारी बात की। और देखें ऐसा एक तरीके से ना हम अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे कर रहे हैं। बेशक एक ऐसी शख्सियत से मोहब्बत का इजहार करें जिससे मोहब्बत का इजहार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे मिंबर पे हो और देखा कि सामने से बेटी आ रही हो तो खुद खड़े हो, उस काली कमली वाले ने अपनी काली कमली उतार के रख दी मेरे सुभान अल्लाह के लिए कि सुभान अल्लाह ये मेरी बेटी की ताजीम और मंजिलत है। तो सोचे जब नबी वो नबी के जिसके सदके में अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया खल की है, बेशक जब वो उस ताहिरा के लिए खड़े हो रहे हैं तो क्या मंजिलत होगी जिनको उम्मे अबीहा कहा गया। वाह। और आप ये देखिए कि रसूल खुदा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे रंज पहुंचाया गोया उसने मुझे रंज पहुंचाया। तो नाज़रीन गिरामी इस समय एक सबक तो मिलता है जो आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता कयामत हमें सबक दे गए कि अपनी बेटियों की कैसे हिफाजत करनी है, कैसे इज्जत करनी है, कैसे उनसे मोहब्बत करनी है, कैसे उनकी तकरीम करनी है, कैसे एहतराम करना है। लेकिन आज भी क्या मैं और आप, क्या हमारे मुआशरे में उसी तरह बेटियों की इज्जत की जाती है, क्या उसी तरह उनको वो मकाम दिया जाता है। दौरे जाहिलियत में जब बेटियों को दफना दिया जाता था तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब करके दिखाया। हमारे जय्यद उलमा हमेशा की तरह हर रोज़ की तरह आपके हमारे फेवरेट उस्तादा, मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि हम लोग तालिबे इल्म की हैसियत से उन्हीं से सीखे हुए ये लफ्ज़ हैं जो यहाँ बोलते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब फातिमा तो ज़हरा एक ऐसा मोजज़ा है कि अल्लाह पाक ने उस वक्त में जब ज़माने जाहिलियत में अरब बेटियों को पैदा होते दफना देते थे तो अल्लाह पाक ने रसूल पाक से कहा कि इन्ना आतैना का कल काउसर, वाह ए नबी मैंने तुम्हें कौसर अता की, ऐसी कौसर अता की। और ये जिंदा मौजज़ा है कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जो नस्ल आगे चलती है वो बेटियां चलाती हूँ, लेकिन ये एजाज जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि जो आज सादात पूरी दुनिया में जिस कोने में भी हैं ये जनाब फातिमा से ही चले हैं। जो हमारे जय्यद उलमा हैं उनका आपको तारुफ कराते चले। आज हमारे साथ बहुत अरसे बाद कुमैल महदवी साहब अलामा मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और फरहाना अवैस साहिबा भी आज महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत शुक्रिया कुमैल भाई आपका भी, फरहाना साहब आपका भी, इमरान भाई भी। और मदिया ने इंतहाई खूबसूरत सूरह कौसर का जिक्र किया यहाँ पर, और उसका तर्जुमा जो है कि तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो आज हम देखते हैं कुमैल भाई इमरान भाई सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घराने का जिक्र जारी और सारी है और ता कयामत रहेगा, लेकिन दुश्मनों को या तो बुरे तरीके से याद किया जाता है या फिर उनका नामो निशान ही नहीं है। तो बीबी के बारे में हम आगाज करेंगे, आप प्लीज। और ये कौसर की थोड़ी जरा इसको डिफाइन तो कीजिएगा क्योंकि आज हम थोड़े से जज्बाती में, बीबी का नाम आ जाता है तो जी क्या जी बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आपने बात शुरू की तो बहुत हसीन फिकरा फरमाया कि हमारी क्या हैसियत और मजाल बेशक के इस जिक्र में कोई लबकुशाही कर सके। बकौल हज़रत मीर अनीस
कि कागज़ पे पहले सूरह मरियम को दम करूँ, तब फातिमा की इज्जत इफ्फत रकम करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि आफाक में जहरा का नहीं है कोई हमसर, जौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का जेवर, कुरान में जिसे याद करे खाले के अकबर, इन्ना तैना कल कौसर, कुरान में जिसे याद करे खाले के अकबर, तानी कोई जहरा का ना होगा ना हुआ है, हाँ हजरत ज़ैनब को जो कहिए तो बजा है, वाह वो थानी दहरा है। तो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जिनके एहतराम में कायनात के रसूल बुलंद हो जाए, और जब एक तसव्वुर फरमाइए कि 1,25,000 अंबिया, 1,24,000 अंबिया की एक बज़्म हो, बज़्म नूरानी, तो हुजूर मुकर्रम तो सैयदुल मुरसलीन है, तो अगर वो कहीं पर खड़े हो जाए तो क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे क्या वहाँ? क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे? क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे? हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे? नहीं, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए तो फिर तो एक काम, 1,24,000 अंबिया जो दीगर अंबिया वो भी तो सब बुलंद होंगे ना, तो फकत एक नबी नहीं जिसके एहतराम में 1,24,000 अंबिया की नबूवतें बुलंद हो रही हैं। क्या बात है, उन्हें फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने हबीब को कौसर अता फरमाई, कौसर यानी जिसमें हर किस्म का खैर अपनी मेराज पर हो, खैर कसीर। कुरान में दो लफ्ज़ हैं, एक है तकासुर, तकासुर जहाँ पर शर की कसरत है, कौसर जहाँ पर खैर ही खैर है और खैर की कसरत है। अल्हाकुमुत तकासुर के कसरत माल और औलाद की तलब ने तुम्हें हलाक कर दिया, हत्ता ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुँच गए, वहाँ पर भी गिनने लगे कि हमारे कबीले वाले कितने और हमारा माल कितना था। तो तकासुर है शर की कसरत और कौसर है खैर की कसरत। बहुत अच्छी, हुज़ूर मुकर्रम से फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। अच्छा, कौसर जन्नत की एक नहर का नाम भी है, लेकिन यहाँ मुराद फ़कत वो जन्नत की नहर नहीं है, वो तो है ही, जिसके सबब से अल्लाह सुबहान तआला ने जन्नत को खल्क किया है। वह अल्लाह ताला क्या एक फकत नहर का जिक्र करके अपने हबीब से कहेगा कि हमने आपको एक नहर दे दी है। इन्ना अतैना कल कौसर कोई ऐसी अजीम बात है कि जिसका आगे इशारा है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये इशारा है कि कौसर क्या है। आपका दुश्मन जब बेनामो निशान और औलाद रहेगा तो हमने आपको वो औलाद अता फरमाई। और लेकिन यही और ये और किसके थ्रू वसीला किसको बनाया, एजाज किसका हुआ, ये क्या बात है। वसीला बनाया बेटी को फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। एक मरतबा एक सवाल हुआ था हज्जाज इब्न यूसुफ के दरबार में कि उसने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि नस्ल बेटी से आगे बढ़े, तो हसन और हुसैन वो तो फातिमा के बेटे हुए, रसूल अल्लाह के कैसे हुए, क्योंकि बेटी से तो आगे नहीं बढ़ती नस्ल, बेटे से बढ़ती है। तो वहाँ पर यहया अपने यामुर थे, उन्होंने सूरह अनाम की आयतें पढ़ी। देखिए फ़कत जज्बात का मामला नहीं, कुरान की गुफ्तगू है यहाँ कि सूरह अनाम की आयतें पढ़ी उन्होंने, सूरह अनाम की आयत नंबर 84-85 के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने कहा, वमिन ज़ुर्रियती दाऊद व सुलेमान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे दाऊद और सुलेमान, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। आगे फरमाया कि हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत ईसा, हज़रत इलियास, सब के सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। सही, सही। तो फिर उसने पूछा कि ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम की नस्ल से हैं वो कैसे हैं, किसके ज़रिए से हैं? ईसा का तो कोई बाप नहीं है, फकत हजरत मरियम है। वाह वाह वाह, क्या फकत हजरत मरियम के जरिए से वो नस्ल इब्राहिम में। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात। फरहाना साहिबा भी मौजूद है, इमरान भाई भी मौजूद हैं, और मैं जाहिर है ये तो ऐसा जिक्र है कि अगर जिक्र छिड़ जाए तो हमारा जो तमाम चैनल्स के प्रोग्राम का जो वक्त है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन जिक्र खैर जारी रहेगा। फरहाना साहिबा, आजकल की खवातीन, और ये एक बड़ा अहम पहलू है कि हम डिस्कस करते हैं और इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ का नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका जिक्र करना पसंद करते हैं। अमलन ख़वातीन को आजकल की जो हैं उनको क्या सीखना चाहिए आपकी ज़ात पाक से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम बात कर रहे हैं उम्मु सादात मखदूम कायनात सैयदतुन्निसाइल आलमीन हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि जिनकी एक मुस्कुराहट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान हो जाए। क्या क्या कहें, और आपने फरमाया कि जिसने उनको दुख दिया उन्होंने मुझे दुख दिया, और मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर और उनको चाहने वालों पर जो भी उनसे प्यार करते हैं उन पर दोज़ख की आग हराम कर दी। यानी इतनी खूबसूरत आपने उनकी तालीम और तरबियत फरमाई। आपकी तालीम और तरबियत में जहाँ पर आपकी वालदा का बहुत बड़ा किरदार है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का, वहाँ पर उनकी वफ़ात के बाद जो किरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा और जिसमें आपने जो कुछ उनसे हासिल किया और जिस तरह आपने बच्चों की तरबियत फरमाई, जिस तरह आपने अपने घर को लेकर आप चलें और आपने अपने शौहर का साथ दिया,
वो जो इल्म हिकमत और तसव्वुफ के इमाम हैं, आप उनके साथ खड़ी हैं और आप उनको हर कदम पे जो है उनको इस बात पे तैयार कर रही हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उसको वो और अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। तो मैं समझती हूँ कि आपका इतना बड़ा किरदार है कि चाहे आप पाकीज़गी की ज़िंदगी की बात कर लें, आप इस्मत व इफ़त की बात कर लें, आप इसार और क़ुरबानी की बात कर लें, आप सब्र की बात कर लें, और आप जब बात करते हैं काशाना नबूवत से हासिल किए हुए वो उलूम वो तरबियत, तो आप देखें कि चाहे आपके दरवाजे पे कोई आए और आपके पास सिर्फ एक हार है आप वो भी कुर्बान कर रही हैं, आपके पास एक चादर है तो आप वो भी कुर्बान कर रही हैं, रोजे की हालत में साइल खड़ा हुआ है तो अपना जो खाना तैयार किया वो आप दे रही हैं, तो आपके तो इतने बहुत सारे सबक हैं जो आपने हम औरतों को हम और खवातीन को दिए कि मैं समझती हूँ कि एहसान अजीम है उनका कि उन्होंने हमें जीना सिखाया है, उन्होंने हमें सिखाया है कि और फरहाना पर इससे बढ़ के क्या एहसान होगा कि अपना पूरा का पूरा कुनबा इस्लाम के नाम पर आप जो है और पता था मालूम था और परवरिश फिर आपने हसन हुसैन की जनाब ज़ैनब की वो दीन जिसकी बुनियादें आका ने हमारे नबी ने रखी उसके उसमें जो जिहाद है वो मौला अली ने किया, उसमें कुर्बानियां उनके बेटों ने दी, यानी पूरे का पूरा घराना जो है वो दीन ही दीन है, तो हमारे लिए तो सबक ही सबक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा जैसे बीबी की कुनियत और बीबी के जो लकब हैं वो इतने बेशुमार हैं और फिर हर एक की अगर गहराई में चले जाए तो फजीलत मतलब हमारा दिमाग ऐसा खुलने लग जाता है कि अच्छा फजीलत में ये चीज़ें भी हैं, लेकिन एक जो उनकी कुनियत जो है उम्मे अबीहा यानी कि बाप की बीमा, तो उसका थोड़ा आप बताइए कि वो क्योंकि हम भी जब सुनते हैं तो हम कहते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा वाक़या तो ज़रूर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए इस पाकी हस्ती के बारे में। शेख सादिक ने करीमा जो लिखा उसके अंदर एक वो शुरू का शेर है कि इलाही बहक बनी फातमा कुनी बनी ईमान मन खात्मा, उन्होंने कहा कि इलाही मेरा जो खात्मा हो वो बनी के तफैल ईमान पर खात्मा हो। शेख सादिक का बड़ा प्यारा शेर है। हज़रत सैयदा बीबी फातमा सलामुल्लाह अलैहा जो उम्मे अबीहा कहा गया तो वो इसलिए कि वो इतनी अल्लाह ने उनको जो तरबियत अदा फरमाई, एक तो देखें उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में आया ना उस ज़माने में एक तो बेटियों में जुल्म होता था, अगर जिंदा दरगोर कर दी जाती थी खवातीन का, बिल्कुल इसी साल था कि भी उनको माशरे का एक अच्छा हिस्सा समझा ही नहीं जाता था और उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस साहबजादी से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा इनकी वालिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन दोनों से एक बहुत ख़ास नस्बत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहले ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा हुई, तो कुरान करीम की जो सबसे पहले आयत नाज़िल हुई जो सीक्रेट था अल्लाह का सबसे बड़ा कि जिसको पहाड़ ज़मीन आसमान सब उठाने से कासिर थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवील फरमाया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बेशक बेशक, तो यह मालूम होता है कि भाई वो सबसे बड़ी अहम चीज़ जो आजकल हम बीवी को समझते हैं ना, उसको हम अपना एटीएम कार्ड भी छुपाते हैं कि भाई ना पैसे पता चल गया बैंक बैलेंस कितना है सैलरी कितनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की अहमियत मालूम होती है, दूसरी खातून की अहमियत मालूम होती है, सुभान अल्लाह बहुत बड़ी बात। उनकी साहबजादी हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, लोग ये भी बहस करते हैं कि उनको सलामुल्लाह अलैहा कहा जाए रज़ियल्लाहु अन्हा कहा जाए, मैं कहता हूँ अलकाबात का समझे जितने दुनिया में हो सकते हैं वहाँ सब खत्म है, हमारे अल्फाज महदूद हैं, उनके बारे में सोचने नहीं चाहिए कि उनको क्या सारे अलकाबात तो दिए ही उन्होंने पूरी दुनिया को, तो उनका सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुल निसाए आलमीन की खवातीन की सरदार, तो उम्मे अबीहा का मालूम ये होता कि यानी उनको इतनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी जिस तरह एक माँ अपने औलाद की फिक्र करती है। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब दुनिया से पर्दा फरमा गई तो अपने अब्बा जान की इस कदर लाडली तो थी लेकिन एक बिल्कुल इस तरह ट्रीट करती थी अब्बा जी का ख्याल रखना। मैं आपको एक मिसाल दूँ बता दी अपनी बारे में मुझे महसूस होता है, अभी जो इस तरह आप हसन ने जिक्र किया था कि फरवरी में मेरी अहलिया का उम्र इंतकाल हो गया, तो मेरी माशाल्लाह चार बेटियां हैं और चौथी बेटी मेरी वही 15 जनवरी को समझो 18 साल की हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो बेटी जो चारों बेटियाँ मेरी माशाल्लाह जब माँ हयात थी तो क्या इफ्तारी बनी क्या नहीं बनना क्या पकड़ा नहीं कुछ सीख नहीं था, और छोटी वाली भी अब्बू के लिए शहरी में रोटियाँ पकाने की फिक्र में लगी है घर में लगी है, तो मेरे सारे अगर हमारी बेटी ऐसी हैं तो वो उनकी बेटी कैसी और मध्य यही एक चीज हमें सीखनी है, ये बीबी फातिमा से हमें चीजें सीखनी है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आप इंशाल्लाह बात गुफ्तगू ये खूबसूरत महफिल जारी रहेगी, देखते रहिए रमजान का समा, कुछ ही देर में हाजिर होंगे। फातिमा ज़हरा
फातिमा जहरा खुदा की खास इनायत है। फातिमा जहरा नबी के घर में जो रहमत है। फातिमा सुभान अल्लाह। आलम में यूं शरीके रिसालत है फातिमा, रहमत नबी तो साया रहमत है फातिमा। बेशक हर तरफ हर जगह हमेशा हर चीज में जनाब फातिमा तो जहरा अपने वालिद के साय में रही। आप सोचें कि जिसने परवरिश की हो हसन हुसैन की, उनकी अपनी परवरिश कितनी कमाल होगी, और क्यों ना कमाल हो जिनकी परवरिश करने वाले खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। और जैसे कि आज की महफिल है, हम बात करें हैं जनाब फातिमा तो जहरा राजिया मर्जी, और हमारे पास तो ना हमारी ये औकात ना हमारी इतनी हैसियत कि हम बीबी का जिक्र कर सके, लेकिन क्या करें जी, मोहब्बत में हम उनकी इतनी गिरफ्तार है तो हम जिक्र तो करें। बीबी हमारे गुनाह भी माफ करें। वाकयात पढ़ते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग दीन की कर रहे थे, और जिस तरह से लोग कुछ उन पर फेंक दिया करते थे नमाज़ पढ़ते हुए या उनको तंग किया करते थे, किस तरह बीबी, वो एक बड़ा खूबसूरत वाक्या है जहाँ पे आप गई भागते परेशानी में और जाके साफ़ करने लगी अपने छोटे छोटे हाथों से, और आप उन्होंने पूछा अपने बाबा से क्या आप ठीक हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये हम अगर सोचें, इस पर गौर करें, तो हमें ये महसूस होता है, ये एहसास होता है कि जो घराना था ये इस दुनिया में सिर्फ आया ही इस मकसद से था कि अल्लाह का नाम बुलंद हो, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जैसे कि अल्लाह ने बुलंद किया तो उनका जिक्र बुलंद रहे। और आज आप देखिए कि हम इतने 100 सालों बाद भी इस तरह से जिक्र करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम ता कयामत हम रहे ना रहे, लेकिन इन हस्तियों का नाम हमेशा रहेगा। ब्रेक पे हमें जाना है, लेकिन मैं इमरान भाई आप
से ही बात हम कर रहे थे, और जाहिर है वक्त बहुत कम है हमारे पास, हम क्या बात करें क्या ना करें। आप कुछ बता रहे थे कि आपकी जाहिर है एक साहबजादी और किस तरह से ख्याल रखती हैं, तो यही आकाजादी जो थी वो क्या किया करते थे अपने बाबा के लिए। समझ में आया कि ये होता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जा रहे थे, रफीक हयात चली गई थी, तो बेटियों को फिर कितनी फिक्र हो जाती है अपने वालिद की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली हो गई थी, तो वो एहसास एक जो है ना अल्लाह पाक ने तो था ही रसूल पाक से मोहब्बत। जब ग़ज़वा अहद में दंदान वारा आपके शहीद हुए, सबसे ज़्यादा बेकरार हज़रत सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी, भाग भाग के आ रही थी, पानी से ज़ख्म साफ़ करना, फिर वो राख जला के वो आपके ज़ख्म पर लगाना, तो आपके पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का सारा ख्याल हज़रत सैयदा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सारा मुंतकिल हुआ। ताहिरा वो भी थे और ताहिरा ये भी। दूसरी बात जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि एक तो आपने रसूल पाक ने खातून की अहमियत क्यों बताया, दूसरे बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, तो आपने बेटी को फरमाया कि मेरी नस्ल इस बेटी से चलेगी जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ से अहमियत मालूम हुई कि अरब के माशरे में चूंकि बेटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बुरा था कि जब सुनते थे बेटी होने वाली तो उनके चेहरे लटक जाते थे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज जो मिला कि पूरी कायनात में किसी को एजाज नहीं, लेकिन आपको एजाज मिला कि आपकी साहबजादी से आपकी नस्ल चलेगी, तो वहां से बेटी की भी अहमियत मालूम हुई, और फिर बेटी भी ऐसी जो असदुल्लाह की जौजा भी बनी, हसन करीम की माँ भी बनी, उनको इतने सारे एजाजा, फिर से जन्नत के तमाम खवातीन की सरदार वो बनी। रसूल पाक ने दिखाया अमली तौर पर कि सिर्फ ये नहीं फरमाया कि लड़की को दफनाना मना है, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि बेटी का मकाम है तो क्या मकाम, क्या मकाम है? और फिर इसकी परवरिश कैसे करनी है। और स्पेसिफिकली अभी क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो मैं अल्लामा कुमैल मेहदी साहब से भी, फराना वैस साहिबा से पूछूंगी कि जो वाकया मुबाहला से लेके जो वाकया करबला तक जिस तरीके से जनाब फातिमा तो जहरा सामने आई और क्या क्या उनकी खिदमात रही हैं इस्लाम की परवरिश, सिर्फ अपनी औलाद की नहीं लेकिन इस्लाम को आगे पहुंचाने तक, हम तक पहुंचाने तक उनका कितना किरदार है, बहुत हम उससे बात करेंगे। बिल्कुल, हम ब्रेक पे जाएंगे और वापस आके इंशाल्लाह बात करेंगे। चार खवातीन जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको खातून जन्नत, सरदार और पता नहीं क्या क्या उनके लिए कहा है, जिसमें फातिमा ज़हरा, बीबी खदीजा, जनाब आसिया, जनाब मरियम है, इस पर भी हम गौर करेंगे। और ये आजकल की खवातीन के लिए स्पेशल प्रोग्राम है ताकि वो इनकी ज़ात गिरामी से कुछ सीखें, तो आज क्या सीखते हैं ये भी हमें देखना। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान का समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार आपको फिर से खुश आमदेद कहते हैं, और हम जिक्र कर रहे हैं फ़ातिमा तैयबा, जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की। और अल्लामा साहब से मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि अगर हम वाकया मुबाहला देखें और उसके बाद से हमने बीबी की बहुत कुर्बानी, और फिर हम जब जाके देखते हैं फिर वाकया करबला में भी, तो फिर पूरा का पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया, तो कितनी खिदमात रहीं इस्लाम को परवान चढ़ाने में। मुबाहला में नजरान के ईसाई आए थे हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए, और वो अपनी कौम को ये कहकर आए थे, चूँकि वो कौम के बड़े लीडर्स थे, उन कहकर आए थे कि हम तो बात करेंगे यहाँ पर और उसके बाद वापस आके बताएंगे तुम्हें कि ये सच्चे नबी हैं या नहीं है। और आपस में उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम जाएंगे कुछ बात करके उनसे ये कह देंगे कि हम तो मुतमईन नहीं हो पाए। तो वो रोज़ आते थे, कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं नऊज़ु बिल्लाह, और इस पर बात होती रहती थी। हुज़ूर मुकर्रम ने दलील भी दी, कुरान की आयत भी नाज़िल हुई, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसला आदम खलकहु मिन तुराब, तो मकाला लहु कुन फयकून, अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है, आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे, तो अगर ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं तो फिर आदम तो ज़्यादा सजावार है बगैर माँ और बगैर बाप के, वो अल्लाह के बेटे हो, तो दलील तो पूरी हो गई थी लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। अब जब वो जाने लगे तो कुरान ने रोक लिया उन्हें, और फिर सूरह आले इमरान में फरमाया फमन हज्जा कफीह मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, के जो इल्म आने के बाद भी कट हुज्जती करे और हट धर्मी करे तो उससे कह दो फकुल तआलो, उनसे कहिए कि नदू अपना ना वबना वनसाना वनसाना वनफसाना वनफसाना तुम मनबतहिल फनजल्लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, कि तुम लाओ अपने बेटों को हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम मनबतहिल फिर मुबाहला कर लेते हैं फनजल्लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, तो फिर झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करते हैं, देखें झूठा कौन है। और हुज़ूर मुकर्रम 24 ज़िलहज की सुबह को अपने खानवादे को लेकर निकले कि गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और उंगली थामे इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और उनके पीछे दुख्तरे रसूल फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और उनके पीछे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम है, और ये पंजतन का काफिला चला और वहां पहुंच कर जहां मुबाहला होना था कि झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करें, तो वहां नजरान की ईसाइयों ने ये कहा कि हम देख रहे हैं उन चेहरों को कि अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा, खबरदार इनसे मुबाहला ना करना वरना नस्ल खत्म हो जाएगी तुम सब की, बस यहाँ पर इनसे जिजिया देकर बात खत्म कर लो, इनकी रिसालत की गवाह भी है, इनकी रिसालत की गवाह भी है। यहाँ आखिरी फिक्रा मैं कहना चाहूंगा कि देखिए
मुबाहला तो फतेह ही बीबी फातिमा की वजह से हुआ है सलाम अलैहि। क्यों? क्यों? इसकी दलील यह है कि नजरान की ईसाई मस्जिद में रसूलुल्लाह को तो देख रहे थे, मौला अली को भी देख रहे थे, इमाम हसन इमाम हुसैन को भी देख रहे थे। कौन सी शख्सियत बढ़ गई मुबाहला में? तो पहले मस्जिद में नहीं थी, फिर आई मुबाहला में। जब ये पांच पूरे हुए तो जब ये वहां पर पहुंची हैं तो फिर उन्होंने कहा कि हम उन चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। क्या खूब बात, क्या खूब जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। और वही बात है कि हमारे पास वक्त कम है और बातचीत अगर हम जारी रखें तो क्या ही महफिल रही है। फराना साहब, बिल्कुल फराना साहब, क्योंकि हम खवातीन की बात करते हैं और बीबी को खास तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के हवाले से भी जन्नत का सरदार कहा गया है और यकीनन वो हैं और हम जानते भी हैं, लेकिन क्यों कहा गया, उसकी कोई ख़ास वजह क्या आप हमें बता सकती हैं प्लीज़? देखिए, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले सब पर ये वाज़े कर दिया था ना कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, तो इसको पहले से ही वाज़े कर देने का मकसद ये था कि कोई भी ये ना सोचे कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के हैं तो चूंकि वो काशाना नबूवत में रह रहे हैं तो जन्नत उनके नाम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कहकर ये पहले ही वाज़े कर दिया था कि तुम्हारी जिम्मेदारियां आम लोगों से बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे ऊपर बार बहुत बड़ा है, तो अगर तुम उनको पूरा करोगे और जो अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की बातें बताई हैं, जो अहकाम दिए हैं, उनको पूरा करोगे तो तब तुम उस मकाम पर होगे जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें पर वाज़े कर दिया है। तो गोया ये वो खानवादा है कि जो सिर्फ नाम से नहीं है बल्कि काम से है, अपने अमल से है। तो उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो अल्लाह के अहकामात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो रहे थे। कि शहजादी थी उसके बावजूद चकिया खुद पीसी थी, बच्चों के झूले भी बुझलाती थी, वो सारे काम किए जो एक आम औरत जो नहीं कर पा रही थी वो भी किए। और जो इतने बड़े खानदान की खातून हो जिसके वालिद गिरामी जिनके यानी रहमतुल आलमीन हो तो क्या खुदा वो क्या चाहती तो क्या नहीं हो जाता, वो तो जो चाहती वो तो, और उन्होंने क्या करके दिखाया हमें, वो तो ये भी कह सकती थी अपने वालिद मोहतरम से कि मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें कि शहीद ना हो, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने करवाया? तो छोटे मोटे कामों के लिए कहती थी कि किसी फरिश्ते से कह दें कि वो आ जाए। उन्होंने तो किसी चीज पर भी कहीं किसी कुर्बानी पर भी पीछे नहीं हटी बल्कि आगे बढ़कर ये इजहार किया कि नहीं, मैं उसी रसूल की बेटी हूँ कि जो जिनके पास कुछ माल आ जाए तो रात को सोते नहीं जब तक वो सदका ना कर दे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए वो तमाम कुर्बानियां, वो तमाम किरदार, उनको जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ अहकाम दिए उनको पूरा करना और जो नबी तालीमात लेकर आए उन पर पूरा उतरना, इताअत करना, मतलब क्या उन्हें आपको ये साबित करके दिखाया सिफात से। बहुत खूब। क्या सिफात थी कि जो अफ्रीका की शहजादी थी जनाब फिजा, जी जी, वो अपना तख्त छोड़ के उनकी करीजी में आ गई थी, ऐसी करीजी खुदा। और देखें फिजा साहिबा वो जिनके बारे में जब आप पढ़े तो आपको पता चलता है कि जिंदगी के आखिरी जो उनके 20 साल हैं जब उनसे कोई बात करता था तो सिर्फ कुरान की सूरत में जवाब दिया करती थी। जी, जो उन जो खादमा सिर्फ कुरान से जवाब दे रही है जी, उसकी मालिका का क्या मकाम। जो सलमान ने फारसी से कहती थी मैं भी तुम्हारी ही, कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती। बहुत खूबसूरत। इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो मकाम की हकदार नहीं थी, उनका मकाम बहुत बेशक बेशक। फरहान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इमरान भाई आपका भी, सर आपका भी, कमल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत महफिल है, इंशाल्लाह आपसे रोज ही मुलाकात होगी। प्रोग्राम बिल्कुल हमारा बेशक बेशक प्रोग्राम हमारा जारी है, लेकिन मैं उलमा कराम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत बातें आप हमें सिखा के जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग जो देख रहे हैं वो भी ये खूबसूरत बातें सीखें और अपनी जिंदगी पे लागू भी करें और अमल भी करें। एक छोटा सा ब्रेक और अल्लाह जिक्र के तुफैल हमारे गुनाह भी माफ। आमीन आमीन। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान का समा। या रहमतल आलमी, या रहमतल आलमी, इल्हाम जामा है तेरा, कुरआन मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल आलमी। तेरी खामोशी भी अज़ान, नींदे भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का
हर लम्हा पैगंबर लगे खैरुल बशर रुतबा तेरा आवाज़े हक खुतबा तेरा खैरुल बशर रुतबा तेरा आवाज़े हक खुतबा तेरा आफाक तेरे सामई या रहमतल आलमी। मैंने सोचा मदिया कि हमारा शो काफी अब दिन हो चुके हैं और ये बड़ा एक हमें ना मौका मिलता है कि हम इतने लोगों के सामने, ये हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले सकें। ये कितनी बड़ी सादत है हम सब के लिए कि सुन भी रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं, तो इसलिए उनको सलाम पेश करना बिल्कुल। और ये अपनी अपनी मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है कि जब हम स्पेशली जब उनकी नात पढ़ते हैं तो हम उनकी बारगाह में अब नजराने मोहब्बत जो है वो उनको पेश करते हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। और आपको ये बताऊं कि मेरी पढ़ी हुई एक रिकॉर्डेड नात, बल्कि दो, सुहेल भाई ने उनको रिकॉर्ड भी किया, तो वो भी समा पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब लोग देखेंगे। वो हम देख भी रहे हैं, वो बिल्कुल चल भी रही है, ऑन एयर है बल्कि। अच्छा जी, हम आगे अपने किचन के उसमें, क्योंकि मैं मुसलसल देखती थी कि नाजिया झटपट जो है वो चीज़ें बना रही थी, क्योंकि हमारे उलमा का सेगमेंट था उस वक्त मैं नहीं आ सकी। लेकिन नाजिया मुझे बताएं, जब तक मैं आई हूँ आप सब चीज़ें बना चुकी हैं, ये क्या बनाया है आपने और कैसे? मैंने आज बनाया है रेड मशरूम सॉस में स्टेक, चिकन स्टेक, और ये एक ऐसी रेसिपी है जो मैं अपने हर कुकिंग शो में ज़रूर जो है ना सिखाती हूँ लोगों को। और मैं बताती हूँ कि स्टेक जो है वो जब मार्केट में आप जब होटल्स में जाते हैं आपको अब तो दो दो हज़ार डेढ़ हज़ार के सिर्फ दो पीस दिए जाते हैं और आप कम बजट में इतना सारा बना सकते हैं खाना, इतना मुश्किल नहीं होता। जो इसकी वाइट सॉस है ना वो बेसिकली इसमें सिर्फ मैं मैदा, बस सब खवातीन सुन लें, इसमें सिर्फ मैंने कुछ नहीं कोई रूह जो कहते हैं रूह बनाओ उसमें बटर डालो उसको पकाओ और कोई ऐसी टेंशन नहीं। सिर्फ मैं दूध पकाती हूँ, दूध के अंदर जो जिस तरह हम लोग कस्टर्ड नहीं बनाते हैं मैदा दूध में डाला और डाल दी, सेम टेस्ट है। तो वो कोई क्रीम वो जो कोई नहीं कुछ नहीं यूज करें, हेल्दी भी होगा, बटर भी नहीं है इसमें, क्रीम भी नहीं है, एंड यू कैन हैव इट इसको एज अ अपने डाइट प्लान के साथ भी। मतलब आपके आप कोई ऑयल इसमें यूज नहीं कर रहे। अच्छा यही चीज फिर मैंने जो है सिर्फ मैरिनेशन बता देती हूँ मैं चिकन की मैरिनेशन में आपने सोया सॉस, विनेगर, सॉल्ट, पेपर और आपने जो है ना इसमें अदरक लहसुन आपने डाल दिया, ठीक है। इसको आप पकाएं, सॉस इसमें ऐड करें, ओरेगानो इसमें डाल सकते हैं इफ़ यू वांटेड, अगर आपने थोड़ा सा ऐड ऑन करना है तो डाल दें वरना इट्स ओके कोई बात नहीं। आलू भी है उसमें भी मैंने ऐसे किया, बॉईल किया, क्यूब्स काटे और उसमें भी यही मैरिनेशन रखी। और आप इसे जब खाएंगे ना रियली मैं सब खवातीन को कहूंगी और जो देख रही हैं कि आप लोग घर पे जरूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा। साथ में मेलन ड्रिंक भी बनाया। अच्छा ये कैसे बनाया जल्दी से बता दें। बहुत इजी है, इसमें मैंने अगेन माय फेवरेट गुड़ वो यूज़ किया है, थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है, कोई लोग चीनी ज़रा पसंद करते हैं थोड़ी सी डाली, ज़्यादा नहीं बचाए चीनी बचाए। अच्छा उसमें मिंट डाला, मिंट, लेमन। अच्छा मेरी जो खास बात है ना मॉकटेल्स की वो ये होती है कि मॉकटेल्स में बेसिकली इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने जो गार्निशिंग है ना वो मैंने किया, इसमें मिंट मिंट भी डाला, इसमें मैंने गुड़ भी डाला, लेमन भी ऊपर से छिड़का है, लेमन मिक्स नहीं किया ताकि जब उसी वक्त मिक्स करें ना तो उसका फ्लेवर इनहेंस और इंटेंस्ड हो। और काला नमक भी ऊपर से छिड़का है। जब आप सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं ना ब्लेंडर में और वह जब आप ग्लास में सर्व करते हो तो उसका वो टेस्ट नहीं आता, आई फील लाइक अलग अलग टेस्ट जो है ना आपके आना चाहिए, आपके टेस्ट पर हर चीज़ जरा एग्जैक्टली वो हिट करेगी ना तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा मैं जरा आगे साहब को आती हूँ लेकिन मैं देख रही हूँ कि एसन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एसन जो है वो कुछ इस वक्त मैं देना चाह रही हूँ आगे साहब के पास। मदिया आप ये देखें, सबसे पहले ऑडियंस में जो बच्ची बैठी हुई जिसकी अभी अभी मंगनी हुई है हो रही है या निकाह होने वाला, ये बता दें मुझे कौन है, कौन कौन ये बिस बच्चा है, ये बताएंगे क्योंकि किसका होने वाला है, तस्वीर भी देखेंगे हम, बेटी की मंगनी है, देख लो होने वाली है जी बिल्कुल, या हो गई है, होने वाली है, कब हो रही है, ईद के बाद। अच्छा ईद के बाद है तो फिर आपके लिए ये बताएं कि नाजिया क्या बना रही है आज, ये बताएं मुझे, नहीं नहीं नाम बताएं, खाने का बताएं, खाने क्या था, खाने चिकन स्टीक, चिकन इन तकरीबन, हाँ ठीक है। तो फिर ये दमास वालों की तरफ से ये गोल्ड चेन है, दमास पाकिस्तान का रेनाउंड हमारे ज्वेलर है और इन्होंने स्पेशली कहा
कि जिस बच्ची की निकाह मंगनी या शादी होने वाली है तो उनको ये हमारी तरफ से गोल्ड का चेन दीजिएगा, ये आप रख लीजिए। ये बड़ा तोहफा होता है, बड़ी बात होती है आपके तवस्सुत से। ये हमारी इतनी प्यारी बहन, इतनी प्यारी बच्ची को है, तो थैंक्स टू यू एज वेल। और थैंक्स टू यू मदिया, आपकी वजह से। नहीं नहीं भाई, और अल्लाह पाक आपकी आने वाली जिंदगी को बहुत प्यारा करे। आप कहाँ देख रहे हैं आगा साहब? आगा साहब कैमरे में खुद को ढूंढ रहे थे। आगा साहब आप किचन में, वहाँ आप आइए जरा। एक मैं मदिया आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ, एहसन से भी। आप लोग रोज मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ खाने में, आप लोग इफ्तारी में क्या खाते हैं ये बताएं। अच्छा मैं पहले आप बता देते हैं। अच्छा मैं इफ्तार जो करता हूँ वो बहुत लाइट, जिसको हम कहते हैं ना पानी और दूध मिला, एक इलायचियों इलायची होम मेड, इट्स नो शुगर नथिंग, मैं उससे इफ्तार करता हूँ खजूर के साथ, दैट्स इट। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे का गैप देता हूँ और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं खाने जैसी कोई चीज खाऊं। फूड जो छोटी छोटी चीज होती है, उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आप इतना खा लेते हैं, अब खाना भी खाते हैं और फिर अजीब तबीयत हो जाती है, हैवी हो जाता है। मैं भी खजूर, पानी और थोड़ी सी दही फुलकी और थोड़ी सी पूटा, दैट्स इट। मध्य की तो डाइट चल रही है स्पेशल। नहीं आप ये मुझे देख के किसी को लग ही नहीं रहा कि डाइट चल रही, बट नहीं हो जा रही है। ऐसा ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात साहब। आपने मुझे इस रमजान में पतला करके रह रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि तिब्बे नबी में आपने हमें देने वो तमाम तर टोटके कि मैं, मेरी बाकी बहनें जिनके भी बच्चे पैदा हुए हैं पतली हो जाए, या जिनकी शादी होने वाली है वो पतली हो जाए। और वैसे भी देखिए सेहत के लिए अच्छी बात है। अच्छा और जो बहनों का सिर्फ बोला, और जो पहले में जो मर्द हजरात बहुत से होते हैं जो पहले में जिनको साइज में, वो पीछे हंस रहे हैं, वो ऑडियंस से बैठे मर्द हजार से कि भाई हमारा है कसूर, वो हाथ उठा रहे मुझे दुबले होना है। अच्छा ओए मेरे भाई कितना आपने होना है, कम गायब होना है वो ऊपर बैठे नहीं, ऊपर एक्चुअली पता नहीं बताओ इनका क्या। मैं इनका मसला बताती हूं, आप चाहते हैं शेप अच्छे शेप में होना है ना। अच्छा इनको मध्या भाई जी, मैं चाह रही हूँ वो कह रहे 90 केजी, मुझे कितना कम करना है इनको। ये जो मेरे भाई खड़े हो गए हैं ना, इनके लिए मैं चाह रही हूँ जरा यहाँ पे, ये पहले भाई आप ये गिफ्ट पकड़े देखें। थैंक यू सो, आपकी पार्टिसिपेशन के लिए फ्यूचाइल की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए, फ्यूचाइल की जानिब से। मदिया और भी आप दे दें, दो तीन और भी लोग देख रहे थे। अच्छा जी जरा कुछ सवाल पूछ के देना, ऐसे नहीं ऐसे भी मोहब्बत में मदिया दे रही है, मोहब्बत में ये दे दीजिए, तालियां बजाइए जी। वाह और ये आंटी आपके लिए फिटाल की जानिब से तोहफा। और मैं चाहूंगी एसएन जरा आप भी आ जाए ऑडियंस में मरहबा की जानिब, फिर हम अच्छा भाई नाइस, ये तो सिलसिला बिल्कुल, ये मरहबा का भी हम देते हैं। आज हमने ऑडियंस के लिए इनामात रखे, मोहब्बत नहीं, प्यारे प्यारे बच्चे जो बैठे हुए, ये बच्चा ये आपके लिए, ये आप रख लीजिए। देख ही नहीं रही थी मैंने, अच्छा आप तो देखे। अच्छा एक मुझे बताएं कि लॉन का जोड़ा किसको चाहिए ये बताएं, ये तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। हम ऑडियंस में नहीं अच्छा, क्या? अच्छा, मुझे भी मर्द हजार है, उनको जो लॉन का जोड़ा चाहिए उनको, आपको क्यों चाहिए मर्द? आप मुझे बताएं, पूछे इनसे। माइक का है, माइक दे जरा। आपको किस लिए? मुझे अपनी वाइफ के लिए चाहिए। कहाँ है आपकी वाइफ? ये वाइफ है नहीं, कहाँ है, मैंने कब कहा? घर पर है ना, बेटा तो एक मिनट घर पे है, उनके लिए कुछ बोले आप, उनके लिए कुछ बोले, वो देख रही है आपको। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत और मैं आपके लिए लॉन का जोड़ा लेके आया हूँ। एहसन भाई जो है वो आपको लॉन का सूट गिफ्ट करें। नाम क्या इसका? इसका नाम है मुश्क। मुश्क लॉन का जोड़ा ये लीजिए, ये आप रख लीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देख उनको पैगाम भी पहुंच गया है। अच्छा जी आगा साहब आइए जी, पतला कीजिए लोगों को, आप क्या कर रहे हैं? इतने क्यूट लग रहा खड़े होके, मुझे लॉन का जोड़ा चाहिए। और देखिए लेके, अच्छा जी क्या आगा साहब आज क्या है रवि में? बाकी नहीं आपने कहा था वजन कम करना, वजन कम करना है या जिस्म कम करना है? वजन कम, वजन कम करना है। मेरी दरख्वास्त है कि वजन कम कर लेते, वजन कम ना कीजिए जिस्म कम, बिल्कुल फैट कम करें। फैट कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप खाना छोटे वक्फों के साथ कम खाएं, छोटे पोर्शंस खाएं, और कुछ दवाएं हैं वो अगर इस्तेमाल कर लें तो डेफिनेटली आप अपना जिस्म बेहतर कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि जो लोग वज़न कम करवाते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट प्लान कराते हैं, आमतौर पर वो जिस्म की हड्डियों का वज़न कम कर देते हैं, वज़न कम हो जाता है लेकिन हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये साहब पता नहीं मैंने सुना है कोई कुछ कोई बाईपास भी नाम आ गया, फिर कोई बलून है, फिर पता नहीं क्या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए, तो मैंने कहा भाई जिस्म के साथ छेड़छाड़ ना करो अपनी बॉडी के साथ। एक तो ये कि वो फैट के लिए वो आ गई, मशीनें आ गई हैं जो पेट का फैट निकाल देती हैं, दैट इज आर्टिफिशियल ना वो। देखिए असल बात क्या है कि जो हमारे जिस्म पर फैट है ये असल में रिजर्व्स हैं हमारे, कभी जिंदगी में आप बीमारी होंगी और उन तमाम चीजों को रिकवर करना होगा तो हमें जिस्म में जो एनर्जी चाहिए वो उसी से मिलेगी। बहुत अच्छी बात की आगा साहब ने, जबरदस्त, ये एक जबरदस्त रिसर्च है। और लोग जो है वो फैट को बड़ा समझते हैं कि बस फैट बिल्कुल रिड्यूस कर दें, लेकिन हर ऑर्गन के साथ फैट होता है और वो जरूरी है होना,
आपकी बॉडी में भी, और फैट बड़ा फायदेमंद होता है आपके लिए. ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल अवॉइड कर. इवन जो आपका ब्रेन है, हमारा आप इत्तेफाक करेंगे, जो ब्रेन है कोलेस्ट्रॉल की वजह से और भी चमकता है, और भी रोशन होता है. फैट का बना हुआ सारा, इट्स ऑलमोस्ट ऑल फैट. तो इसलिए फैट, इट्स अ गुड फैट. तो इसलिए ये जो जंक है उसको खत्म करना है, जंक फूड बेसिकली. बात जंक फूड खत्म करें जी. जंक के बारे में एक ही जुमला कहूंगा, जंक फूड सेहत से जंग. और ट्रांस फैट जो है वो बुरी चीज है. ठीक है, सोच की क्या थी आपने, क्या बनाना ये बताया. आज तो असल में बात ये हो रही थी कि बहुत अच्छा सा ड्रिंक बनाया, मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए. अच्छा, ड्रिंक जो बनाया है उसमें उन्होंने नीचे जो तमाम सब्सटेंस है उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो पुदीना है और काला नमक है. पुदीना और काला नमक रोजे में लेने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक वक्त में कभी आप थोड़ा सा ज्यादा खा रहे हैं तो ये तमाम चीजों को हजम कर देता है. हमारे जिस्म में जो एंजाइम्स बनते हैं मेदे में, उन एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको बहुत ज्यादा बनाने के लिए जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो पुदीना है, अदरक है. और आप ये देखिए कि हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि जब भी कोई भारी ग़िज़ा खाओ, चाहे पाए खाओ, चाहे नहरी खाओ, चाहे हलीम खाओ, उसमें हमेशा अदरक ज़रूर डालना. इस पर फिर कभी बात करेंगे कि ये तमाम चीज़ें कितनी कैलोरीज रखती हैं और हमारे सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं. बिल्कुल सही है आगा साहब. और नाज़िया, आप हमारे साथ साथ ही हैं, इस शो का हिस्सा हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका. अच्छा, ऑडियंस भी, क्योंकि ये एक रमज़ान जो है ना वो हमारे लिए सेलिब्रेशन होती है, लेकिन रमज़ान में जो सबसे बड़ा हमें दर्स इंसानियत का, मोहब्बत का, प्यार का, एक दूसरे को साथ लेके चलने का जो मिलता है वो बहुत अहम दर्स है. उसको हमने कहीं नहीं भूलना. हमेशा हम अपने शो में हर रोज़ ऐड अप करते हैं किसी ना किसी ऐसे मुस्तैक शख्स को सारिम भाई के ज़रिए यहाँ लेके आते हैं, जो कि आपकी और मेरी मदद के मुंतज़र होते हैं. आज भी हमने शामिल किया है किसी को, लेकिन मैं बहुत पहले तो परेशान हुआ इनको देख के, इनकी बात सुन के, कि एक छोटी सी बच्ची जो हैं और इनकी फैमिली किस तरह सफ़र कर रही है, और सारिम भाई ने इनको तलाश किया. और मैं इस बात पे बस हैरान हूँ, थोड़ा परेशान हुआ कि ये छोटी सी बच्ची इस मुसीबत से गुज़र रही हैं. क्योंकि हम बच्चों वाले हैं और यकीनन आप लोग भी ये दर्द समझते हैं कि जब बच्चे को कुछ होता है तो माँ बाप या कोई भी इंसान जितना मर्जी सख्त दिल हो, उसका दिल जो है वो मोम हो जाता है कि यार बच्चे को आप कुछ ना करें, बच्चे को कुछ ना हो. तो ये हमारा एक सेगमेंट है, आओ मदद करें. और सारिम भाई से बात करते हैं, और ये बच्चा बच्ची भी हमारे साथ पास मौजूद है, इनकी वालदा भी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे. जी सारिम भाई, प्लीज़ बताइए कि इनको क्या मसला दरपेश है. अहसन भाई, बिल्कुल आपने जो पैकेज देखा होगा वो तो इसका देखा होगा जी, क्योंकि इस बच्ची से इजाज़त नहीं ली थी तो अभी मैं इजाज़त ले करके आया हूँ. इसका पीछे भी बताऊँ कि मैं इसको कैसे जानता हूँ. इसकी वालदा कई साल पहले मेरे पास आई थी, जो खुद जली हुई थी, पूरा फेस उसका जला हुआ था. जी हाँ जी, आप. और उसके मियाँ ने उसको जलाया था, किसी अल्लाह और ने नहीं. अकबर, अल्लाह. तो उसे सजा भी हुई, और कुछ ऐसी सजा हुई कि उसने उसको आया, छुड़ भी गया काफी अर्से के बाद, और उसने उसको माफ किया, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सका. चंद दिन में ही मेरे ख्याल डेथ हो गई थी उसकी. तो ये उसी की बेटी है, और आज मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी हो के मेरे सामने आएगी, और इतनी पढ़ी हुई इसकी माशाल्लाह. जरा पूछिए मैट्रिक में क्या परसेंटेज आई थी बेटा, 98. आज मैंने इसको कहा कि आज तुम्हारी माँ की भी कदर मेरी निगाह में ना बहुत ज्यादा और बुलंद हो गई है, कि उसने अपनी औलाद को इस हाल में भी, कि बेचारी मुंह भी छुपा दी थी, कहती थी लोग देखते हैं तो डर जाते हैं या अजीब सी बातें करते हैं, तो ये उसकी बेटी है, और आज उसकी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि वो जली कैसे बैठी है. कैसे बच्ची जल गई थी, ये इसके ऊपर ना गरम तेल गिर गया था. क्या घर में ही हुआ था ये? जी, घर में. यानी कि हफलत की वजह से फेस पूरा सब कुछ जला हुआ था ये इसका, गरम गरम बिल्कुल तेल इस पे गिरा. ओपन पड़ी हुई थी चीज, जगह थोड़ा किस तरह से बताइए. नहीं नहीं, ये जो है मैं जो ना किचन में थी, काम कर रही थी, पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, तो जो ना ये पटरा रेकर ऊपर चढ़ी है, तो ना पटरा डिसबैलेंस हो गया इससे खुद से. तो ना इसने सोचा मैं बच जाऊंगी, गैस का पाइप जा रहा था, तो इसने जो ना गैस का पाइप पकड़ा, सोचा है कि मैं बच जाऊंगी. वो चूल्हा समेत जो है ना, चूल्हा और वो अल्लाह. तो मुझे बताएं कि ये इस साल से वाकया हुआ, पिछले साल से ज्यादा वाकया हुआ था? नहीं, ये अभी 12 फरवरी को. 12 फरवरी को. और इसकी उम्र कितनी है? ये अभी 21 मार्च को 5 साल की हुई है. 5 साल की. तो मुझे बताएं डॉक्टर्स अभी क्या बता रहे हैं? अभी इसके 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं और. अच्छा, एक तो ये मदिया, ये हमारे लिए सीखने का भी है कि पहले तो इनकी वालदा जिन्होंने इस हालत में भी एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया, ये भी सीखने का है. लेकिन
जो नेग्लिजेंस होती है, जो गलती होती है, असल गफलत जो कर लेते हैं वो तमाम लोगों को सीखना। बच्चे तो मासूम है, उनको तो अंदाजा नहीं कि क्या होना है, क्या होने वाला है, लेकिन बड़े जो आसपास होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं कि सबको खुद ही काम करना पड़ता है, कितनी मासूम है आप देखिए, इसको देख रही हूँ, उसको पता ही नहीं है कि उसको कितनी तकलीफ में है और वो बस आके बैठी हुई है मासूम सी। उसके चेहरे पे भी मैं निशान देख रही हूँ, उसके हाथों में भी निशान देख रही हूँ, उसके पाँव पे पट्टी देख रही हूँ। और आप ये पैकेज भी देखे हैं, उन्होंने उसके घर की हालत भी दिखाई है स्क्रीन पे। अच्छा, हम किस तरह से इनका क्या इलाज करवाना चाहते हैं, क्या भाई? रोजाना की बैंडेज हो रही है ये जी, और उसी से ये माशाल्लाह काफी बेहतर भी हुई है। रोजाना 2-3-4 हज़ार रुपये रोज के इसका खर्चा है। एक गरीब औरत बेचारी जो मकसद इसका मियाँ जो है वो जो भाड़े पे कहते हैं रक्षा चलाता है, मेरे हस्बैंड जो है वो किराए का रक्षा चलाते हैं। ठीक है, किसी का रक्षा रोज उसको पैसे देता है, घर घर भी जाहिर है किराए पे और रेंट का, तो इसमें बड़ा मुश्किल है। 4-5 हज़ार रोजाना की बुनियाद पे आजकल जो महंगाई का के हालात हैं, मतलब हर चीज रमजान में खास तौर पर डबल होगी, तो बच्चे कैसे और कर सकते ऐसे हैं? मरीज को जो है ना कहा भी जाता है कि अंडे खाए, मछली खाए, गोश्त खाए, तो वो कहाँ से खाए? तो बैंडेज के पैसे नहीं है तो खाएगा कहाँ से? वो जितने लोग हमें देख रहे हैं, देखे वो वही बात के जो साहिब औलाद साहिब साथ लोग हमें देख रहे हैं, वो खुदारा इस इतनी बच्ची को देखे, छोटी सी बच्ची है और रोज की बुनियाद पे 5,000 तो सिर्फ इस बच्ची की बैंडेज होती है। इसमें इसकी दवाएं शामिल नहीं है, इसमें इसकी वो खुराक शामिल नहीं है जो उसको उसको देनी चाहिए। बहुत बहुत छोटी रकम है उन लोगों के लिए जो कि हैसियत रखते हैं। वो ख़वातीन जो कि शॉपिंग करने के लिए जाती हैं और बड़े बड़े आराम से 50-50 हज़ार उड़ा देती हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो यकीन मानिए आपकी वो 50,000 जो है ना, वो उस बच्ची के 10 दिन सुकून के, इसके माँ बाप के सुकून से कर देगी कि वो जाएंगी अपनी आराम से बैंडेज करवा सकेंगे। इसके ये जख्म यहाँ से खराब है अभी तो, ये वैसे हो रहा है, इसकी सर्जरी भी आगे चल के होगी क्योंकि वो पूरा आपको पता है जलने से खिंच जाता ही जगह जो। अच्छा, आपके कितने बच्चे? देखिए मैं यही सोचा था कि एक ही बेटी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका चेहरा बच्ची का बच गया और उसकी जिंदगी बच गई, लेकिन ये नहीं जला है, लेकिन कम कम अल्लाह ज्यादा नहीं, जितना साफ कर दिया जी, मतलब शुक्र अल्लाह का कि उसकी बचत बहुत हो गई है बच्ची की। लेकिन हम अपने लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे हमारी बहन यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी ये मासूम बच्ची वो मुंतजर है कि आप या हम कोई भी जो लोग देख रहे हैं, समा टीवी के बहुत व्यूअर्स हैं, बहुत पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देखते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग नंबर भी देख लेंगे, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, रजू कीजिए। थोड़ी सी आप जैसे मदिया ने कहा कि हम शॉपिंग करते हुए सोचते भी नहीं है कि चीज किस कीमत पे है और हम खरीद लेते हैं, अच्छी लगती है। लेकिन रोजे के करीब का वक्त ना, जितना अभी सोचेंगे देने के उस कहीं ज्यादा सवाब मिलेगा। रुमेशा से भी जरा बात कर लेते हैं। रुमेशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बातें करती है रुमेशा, मुझे बताओ ये आपको चोट लगी थी, अभी दर्द तो नहीं हो रही आपको? अच्छा, अभी मुझे बताओ आपने मेरी बेटी को क्या अच्छा लगता है? आपको डॉल्स अच्छी लगती है? किससे खेलती हो बताओ? क्या बनना है मेरी बेटी को? क्या बनना है आपको बड़े होके? कंफ्यूज है, वो कह तो रही है दर्द नहीं हो रहा, लेकिन कैसे पॉसिबल है कि दर्द ना हो रहा? दर्द ना हो रहा, और वो बच्ची अभी तो इसको ट्रॉमा से निकलने में भी ऐसा टाइम लगेगा। हम अगर हमारे साथ ऐसी कोई चीज हम जल जाए, हमारी उंगली जलती है तो चीखें निकल जाती है, तो पूरी जली हुई बच्ची है। हम ट्रॉमा से ना निकले, हमारे साथ ऐसी कोई चीज हो जाए तो छोटी सी बच्ची है जिसने अपने ऊपर इतने खोलते हुए तेल को आते हुए देखा होगा, जिसका मुंह जला होगा, जिसकी जो चेहरा आपका शनाख्त का हिस्सा है, जिसकी टांग जल गई, जिसमें तो वो कितनी ट्रॉमा। मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है, वेबसाइट भी सारे भाई का नंबर भी चल रहा है और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कॉन्स्टेंटली साथ साथ चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन उठाइए, डायल कीजिए, डोनेशन दीजिए और जितना भी आप देंगे, क्योंकि वो आपका और आपके अल्लाह का मामला है। कम या ज़्यादा का ना सोचिए, सिर्फ ये कि इनके ज़रिए सिर्फ ये बच्ची नहीं, बहुत सी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। और ऑब्वियसली आजकल की अफोर्डेबिलिटी और महंगाई का बार बार हम तذکرہ क्या करें, सब जानते हैं कि नॉर्मल खाना खाना कितना मुश्किल हो गया, एक दो वक्त की रोटी खाना, तो फिर इनको किराए भी देने हैं और बहुत कुछ करना। लेकिन है। अभी भी एक क्लास ऐसी है जो कि अभी भी अमीर से अमीर तर होती चली जा रही है। आप देखेंगे बाहर की कॉफ़ी शॉप यहाँ पर आ गई तो उस पर रश इतना था कि दुनिया जहान में उसमें इतना रिकॉर्ड नहीं बनाया जितना उसे पाकिस्तान में बना लिया। अभी भी रेस्टोरेंट्स आप जाएँ तो भरे के भरे हैं। हम किसी चीज़ पर तनकीद नहीं कर रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि
इन लोगों की मदद कर दें, बस इन लोगों की मदद कर दें, ये आपकी मदद के मुंतज़िर है। और हमारी कोशिश भी ये और काविश भी यही है कि रोज़े के करीब करीब वक्त आप जैसे जैसे जो नेकी करते हैं ना, अल्लाह में उसका सवाब ज़्यादा कर देता है। बिल्कुल। तो आप भी रोज़े के करीब करीब कुछ इनके और फिर रमज़ान का बाबरकत महीना हमें तो ये मौका ये शो कर रहे हैं, और इसमें एक जो नेकी है वो 70 गुना बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करेंगे, सारे भी आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और सर बस एक मिनट मुझे दे दें, बिल्कुल प्लीज। मुझे आज काफ़ी टाइम के बाद इसको देख के एक बच्ची याद आई, 14-15 साल की थी, सर से पाँव तक बुरी तरह जली हुई थी वो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, मैं उसका इलाज नहीं करवा पाया था। क्यों नहीं करवा पाया था कि रमज़ान का इंतज़ार होता है कि बड़ी अमाउंट्स तब मिलेगी। उस वक्त उसको कम अज़ कम 25-30 लाख रुपये चाहिए थे, और अगर उसकी परसेंटेज बताएं किसी डॉक्टर को तो वो यकीन नहीं करता था कि कोई इतने जलने पे बच सकता है। लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी थी, वो जिंदा थी, लेकिन उसको इलाज की ज़रूरत थी, वो नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन बस ऐसा ना हो कि हम लोगों से भी कोई किसी को कोई मुंतज़र और हम ना कर पाए, मौका है, मदद कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रमज़ान का समा। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके किचन के काउंटर में एक बार फिर से आ गए हैं। नाज़िया ने आज जो बनाया था चिकन स्टेक विद रेड मशरूम सॉस के साथ, ठीक है, वो डिश आउट कर दिया हुआ है। साथ में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मॉकटेल बनाई है जिनकी रेसिपी उन्होंने आपको बता दी है। फेसबुक पे हम उसको अपलोड कर देंगे, सो यू विल गेट टू नो कि क्या कहता। नाज़िया आपने दो दो बना दिए हैं, दो बनाए हैं। कहती हूं हमारी समा की फैमिली है ना, तो जितने खा सकते हैं। क्या बात है। और तीन आपने, तीन का क्या हिसाब हुआ? मैं जरा सोच, मदिया सोचा तीन का क्या हिसाब हुआ? मैं, मध्य और सुहेल भाई। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ये आप में से किसी के पास भी जाएगा, ये कहीं और ही जाएगा। अच्छा, ये हमारे जिसके हाथ में पहले आ जाता ना, ये अच्छा, उसका होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं जी। आगा साहब, ये क्या मैं देख रही हूँ आपके सामने? मैंने एक तो बनाया है लहसुन और जैतून के तेल का पेस्ट। लहसुन पे बात करूँ तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि एक मरतबा खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया जिसमें लहसुन मौजूद था। आपने वो खाना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भिजवा दिया और आपने फरमाया कि ये तुम खा लो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया कि आप नहीं खाते, मैं कैसे खाऊं? तो आपने फरमाया कि मैं जिससे बात करता हूं तुम उससे नहीं करते। ये हदीस है लहसुन के बारे में। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो जो एक आम तासुर है उसके बारे में मैंने एक क्लियरेंस की कोशिश की। ये जो दवा मैंने बनाई है ये लहसुन है और जैतून का तेल है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह पेस्ट किया है। ये बहुत अच्छी दवा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को बालचर हो जाता है। आप देखते हैं बालों के दरमियान में एक गोल सा निशान पड़ जाता है। बिल्कुल है, आगा साहब, मेरी दाढ़ी पे हो गया था, यहाँ या यहाँ कहीं पे। अक्सर लोगों को अक्सर हो जाता है, स्पेशली होता है। हाँ। ये, लेकिन पहले इसकी वजह बताएं क्या, वो क्यों होता है? इसके अंदर जो हमारी जो बाल है उनकी जो जड़ है इसके अंदर एक बैक्टीरिया आता है। वो बैक्टीरिया हमेशा यूं घूमता है, हमेशा राउंड में घूमता है और ये निशान हमेशा गोल होता है। बहुत तकलीफ दे होता है तो लड़कियों में सबको होता है। तो ये वो पेस्ट है कि इसको बहुत अच्छी तरह बारीक करके, बहुत बारीक करके अगर उस जगह पर रगड़ा जाए रोजाना कम से कम 5 मिनट तक, तो ये जो उसकी जड़ें हैं बालों की वो वापस वापस आ और ये खत्म हो जाए। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा। लहसुन का यानी इतना जबरदस्त असर है ये। अच्छा, वेरी नाइस। असल प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के यहाँ जो दस्तूर बन गया है ना कि अदरक और लहसुन को पीस के पेस्ट बना के रख दो। जो अदरक है उसके अंदर जिंजरीन होता है, लहसुन है उसके अंदर एलेसन होता है। एलेसन का फायदा यह है कि वो जिगर के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है और एंटी कोलेस्ट्रॉल है। जिंजरीन का फायदा यह है कि वो हमारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो हजम के निजाम को बेहतर करते हैं। लेकिन फ्रेश फ्रेश खाना चाहिए। हमने दोनों को मिलाकर चबाते भी सुबह सुबह कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल। तो हमने दोनों चीजों को मिलाकर पेस्ट बना दिया, 1 मिनट की आसानी इख्तियार कर ली, लेकिन दोनों के फवायद गंवा दिए। ओहो, अलग अलग फायदा भी करें और फ्रेश भी खाएं। Okay. ये बहुत जरूरी है। और ये क्या इस वक्त पक रहा है? अच्छा, पानी में मैं लहसुन, ये पानी में लहसुन है और दालचीनी है। इसकी वो चाय जो चाय को अगर इस्तेमाल किया जाए
अगर इसमें गुड़ डाल लें या शहद डाल लें तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों के सीने में बलगम रुकता है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनको निमोनिया होता है, उनके लिए ये बेहतरीन चाय है। दोनों अपनी तरफ इशारा करेंगे। अदरक की सुरती लहसुन की चाय, अदरक की सुरती भाई, ये लहसुन की चाय। अच्छा, इसमें पत्ती डाल के दूध के साथ पका सकते हैं? बिल्कुल पका, लेकिन आगा साहब क्या इसमें लहसुन अदरक दालचीनी लौंग ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। लो, ये तो वो प्रॉपर एक मजे की चाय, मसाले वाली चाय। स्वाद ही तो अलग हो जाएगी ना फिर तो। नहीं, फायदा तो पहुंचेगा, उसकी मकदार कम पीनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। तीसरी चीज जो आज मैंने बनाई है, इसमें लहसुन के पेस्ट में मैंने लौंग डाला है, सिरका डाला है और नमक डाला है। ये मैंने पेस्ट बनाया इन चार चीजों का। इन चार चीजों के पेस्ट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि किसी के दांत में कितना ही दर्द क्यों ना हो, सिर्फ ये पेस्ट लेकर के आप दांतों पर मल लीजिए, दर्द फौरन। क्या बात है आगा साहब, इतने मदिया ये अल्फता वालों ने जबरदस्त पैकेज, ये इतना हैवी है, जरा प्लीज एक सेकंड पकड़ के देखें, ये नहीं पकड़ ज्यादा। इट इज फुल ऑफ लाइक जितनी भी ग्रोसरी आप करते हैं आजकल, बहुत महंगाई की बात हो रही है और ये अल्फता वालों ने भेजा हैवी एक ग्रोसरी का पैक है जो मैं चाहता हूं कि ये लीजिए, ये आप लीजिए और एक और मैं जल्दी से हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो प्यारे प्यारी ऑडियंस है ना, ये इस इंतजार में, ये देखो इतना बस नहीं कि मुझे प्रॉपरली वो मशक्कत करनी। मदिया आप ही लॉन का जोड़ा भी लेके हैं, मैं लॉन का जोड़ा, ये लीजिए, ये आप ले लीजिए और मदिया मुश्क की जो लॉन है। बताएं कि अभी आगा साहब ने जो आखिरी पेस्ट बनाया है वो किन चीजों से मिलके बना है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप बताओ। आऊंगी नहीं मैं, आप बता। नहीं, माइक का है, माइक में आवाज नहीं आ रही है। माइक माइक दीजिए, माइक दीजिए ना, आवाज नहीं आ रही है। माइक जी, लहसुन और उसका पेस्ट बनाया, उसमें जैतून का तेल आई डालें। नहीं नहीं, आप बताओ। ये तो पहला वाला था, लहसुन और वो नमक और ना दालचीनी। वेरी आज तो इस दफा तो मर्द मर्द ले गए हैं, लॉन के जोड़े आदमी ले गए। ये मुश्क लॉन का जोड़ा किसको दोगे घर जाके? मम्मा को। मम्मा, मम्मा आई है यहाँ पे किधर? अच्छा, ये अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, जाते आगे बढ़ते बढ़ते ये भी प्लीज मरहबा के गिफ्ट हैंपर्स हैं, ये बच्चों को प्लीज ये दीजिए। अच्छा, हमारी कोशिश होगी कोई खाली ना जाए और अल्लाह के लिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये जो गिफ्ट है ये बढ़ते भी जाएंगे और भी आते जाएंगे आपके लिए। सब लोग ये लीजिए, ये लीजिए जी मदिया जी, जी बताइए और भी हम बांट देंगे, बांट दे अभी, बांट दे, ब्रेक पे जाना है, मैं अभी हम बांट दे, अभी दे दे, ये लीजिए, ताकि ये आप लीजिए। अच्छा, मैं जरा इसको वाकई रिपीट कराऊंगी, क्योंकि आगा साहब ये इतना जबरदस्त आपने बताया दांत में, ये एक रह गया फोटो लिए बच्चों को, ये बच्चे ये लीजिए चले। अच्छा, वो ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये मजाल क्या मेरा रहनुमा कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या मेरा रहनुमा शिकस्ता पा कोई और है जो तुम्हारी जाली से मुतसिल है, सुतूं के पीछे खजिल खजिल नहीं मैं नहीं वो मरीज दिल ना मेरे सिवा कदम चलो के ये रास्ता कोई और है
तो बना के सर को कदम चलो, है तुझे खबर शहीनो मेरी वजह राहत कल्ब जान, न तेरे सिवा कोई और था, न तेरे सिवा कोई और है। फातिमा बिन्त रसूले कायनात, मादरे हसनैन नूरे शश जिहा, हर दम सद दुरूदो सद सलात, सैयदा ज़ौजे अलीउल मुर्तज़ा, सैयदा आली नसब आली सिफा, करते हैं सब मोमिनो मोमिनात, दिल में औलाद मोहम्मद की रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं बनो समा की आवाज़, जो आपका हमारा सबका फेवरेट सेगमेंट है। यकीनन बनो समा की आवाज़ में कंटेस्टेंट्स नए से नए आते जा रहे हैं आपके सामने, हमारे पास हमारे जजेस मौजूद हैं। सभी रहमानी भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप जी? और फसी भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका तो कलाम भी हमने सुना बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह आपने कलाम पेश किया। आगे बढ़ते क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, और असद और मारुख भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे जूनियर जजेस हैं। तो आज असद हमें आप बताइए कि पहले हमारे पार्टिसिपेंट कौन है? वालेकुम अस्सलाम, आज बनो समा की आवाज़ में कराची से हमारे साथ हैं फैजिया हुसैन, जो हुजूर की बारगाह में मुतासराय करने का शरफ हासिल करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे تم
जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फसी भाई, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? फैजिया हुसैन साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक मिनट की सिर्फ। जी, मैं तकरीबन में जब बनू समा की आवाज़ शुरू हुआ, मैं उस वक्त से बनू समा की आवाज़ का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 या 5 मुकाबले तक बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन अमजद साबरी साहब से भी मेरा एक इख्तलाफ था कि सुर के ऊपर जितनी तवज्जो है ना, उतनी अदायगी के ऊपर तवज्जो नहीं है। एक पैटर्न चल गया कि एक ही स्टाइल पे पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नात खाने के हवाले से और भी वैरायटी है, और भी स्टाइल है। हर जगह मैं देख रहा हूँ कि एक यकसानियत का शिकार है। सही, एक ही स्टाइल को पढ़ा जा रहा है। सही। और भी अगर ये अगर मुकाबले को मुकाबला रखना है तो उसमें दीगर अंदाज जो है उनको भी आपको इख्तियार करना होगा। वाले उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत, लेकिन इनके अल्फाज जो थे उनकी अदायगी सही नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल जी। सभी भाई क्या कहेंगे? फैजियाब हुसैन ने पढ़ा तो अच्छा, लेकिन मसला ये बेटा, अगर आप थोड़ा सा सुर ऊंचा करके पढ़ते ना तो आपके पास सांस खुल जाता आपका, और सीने का फोर्स जो नात के लिए ज़रूरी था, जैसे होना चाहिए था, वैसे नहीं लग सका। दूसरा, हम ये मुर्खियाँ लगाने में इतनी तवज्जो अपनी जज्ब कर लेते हैं कि हमारा, हमें पता नहीं होता कि बैकअप में सांस कितना है। नात खां की पढ़त में सुर को लेके चलने वाला होता है पीछे उसका सांस का बैकअप, तो अगर वो भरपूर है पीछे तो बहुत अच्छा आता है, वरना कमज़ोर हो जाता है। ठीक, आइंदा एहतियात रखिए। ठीक है जी, बहुत खूब। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जाने बढ़ेंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और आप लोग जो हैं वोटिंग कीजिए, और आपकी पसंदीदगी पर डिपेंड करता है कि कौन आगे जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान का समा, बनो समा की आवाज़। के सामने
के मुकाबले में है आने वाते रूहुल है। रमजान के समय में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और हमारा सेगमेंट चल रहा है बनो समा की आवाज में और एक कंटेस्टेंट आके जा चुके हैं फैजियाब हुसैन। अब दूसरे कंटेस्टेंट कौन है मारुख रियाज ये बताइएगा। उनका ताल्लुक है, नाम है उनका ज़ैनब बतूल। बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक है जी, सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। गुलाम हश्र में जब से जब से साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में मुसाफिराने लहद इसलिए ना के चले गुलाम हश्र में। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है जी, क्या कहेंगे। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत जमकर पढ़ा माशाल्लाह और बहुत ही सुरों का कंट्रोल रखा। हालांकि मुझे लग रहा है आपका रोज़ा भी है, यकीनन होगा, और उसमें इस वक्त गले के खुश्क होने के बावजूद सुरों का इतना ठहराव रखना, एक एक नोट को भरपूर तरीके से लेना
और कहीं आपने सांस नहीं टूटने दिया, जगहें भी सारी परफेक्ट लगाई, बहुत सलामत रहें, खुश रहें। अब आप जी माशाल्लाह, इन्होंने मेरा ख्याल है पी नसीरुद्दीन साहब का कलाम पढ़ा है और बहुत उम्दा अंदाज में इन्होंने उसको निभाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में माशाल्लाह अच्छे पढ़ने की इन्होंने अच्छी कोशिश की है। कोई आपको एडवाइस देना चाहेंगे वैसे फसी भाई और हमारे जितने भी नात खान आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक में तो एक यहाँ पर ऑफकोर्स हमारी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट भी होता है, तो ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहें कि आप आने वाले नात खान जो कंटेस्टेंट हैं उनको बता सकें कि बच्चे ये करना है ये नहीं करना। अब देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमें तो ये मुंतखब करके देंगे, आपने को इनको सुनना है तो इन्हीं पर हमने जजमेंट करनी है। तो अब जिस अंदाज में ये पढ़ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारे पास ये तकरीबन 40 कंटेस्टेंट हैं जो नए लोग आ रहे हैं। जी, मध्य का मतलब नए लोग, देखिए 19-20 के फर्क से पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो अब इसमें इसी में हमें जज करना है क्योंकि हमें यही दिए गए कि इन नात खानों को आपने सुनना है। कलाम चेंज होना चाहिए, कलाम कलाम का कलाम तो बहुत उमदा पढ़ रहे हैं, अदायगी भी अच्छी है। अगर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नगमगी रहनी चाहिए। मैं ये देखें सुरीला होने में और बेसुरा होने में बहुत फर्क है। बेसुरा नहीं होना चाहिए लेकिन इतनी मुर्कियां इतने ज्यादा उसके अंदर क्लासिकल अंदाज के अंदर अच्छा। चले जाना, मैं समझता आप कहते हैं उसकी जरूरत नहीं, ये नात की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे बचपन में मुझे दो चार जुमले इसमें आज कर दूं ताकि वजाहत हो जाए इसकी, फसी भाई अपनी जगह कहना जो चाह रहे हैं उसकी वजाहत हो। ये मौसीकी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मौसीकी के इस्तेमाल से मुराद गायकी के जो उसूलों पर बनी हुई चीज़ है ना, एक ज़ाब्ता होता है हर चीज़ का। फन मौसीकी और गायकी बाज़ उसूलों पर ठहरी हुई है, बाज रागों से बनती है और राग के बगैर कोई चीज़ नहीं है कायनात में। लिहाजा हम जिस चीज़ से इस्तफादा करेंगे उसके उसूलों पर ही पूरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कहीं लोग उसमें इजाफा करते हैं गैर ज़रूरी तो वो चीज़ बोझल हो जाती है, लेकिन जिन बच्चों ने भरपूर तरीके से अदा किया है कोई फ़न बुरा नहीं होता अपनी अपनी हैसियत में। फ़न का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है, निखारता है या संवारता है। और इन्होंने जो पढ़ा वो तो बहुत फीलिंग के साथ, उसमें तो आप सुनते सुनते मतलब कुछ हो रहा था, फील हो रहा था। एक बात जो मुझे जो मैं मिस वो आजकल के कलाम है, क्योंकि बहुत खूबसूरत कलाम, इतना मुश्किल कलाम, लेकिन जब मैं अपने बचपन में जाऊं तो जो स्पेसिफिकली नाते होती फासलों को तकल्लुफ बड़ी सिंपल सिंपल, तो हम छोटे छोटे बच्चे भी यानी भी हम झूमते थे, हम पढ़ना शुरू कर देते थे। आप पहले ही मरहले से काट देते हैं कि उसको लेना ही नहीं है जो इस अंदाज में पढ़े। अच्छा, ये काट दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पता है कितने लोग आते हैं मुकाबले में शरीक होने के लिए? असद बताएंगे? मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। असद क्या कहेंगे इसमें? मुमकिन नहीं है। सभी भाई जिस तरीके से बैठे हुए हैं, फसी भाई का भी अच्छी तरह इशारा है कि जाहिर सी बात है हमारे पास जब कंटेस्टेंट आते हैं तो हमारे उस्तादों ने हमारे बड़ों ने जो सलेक्ट जो इंतज़ाम तरीक़ेकार बताया हम उसी को फॉलो करते हैं। अब फसी भाई अगर जिस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं तो समा या कोई भी प्लेटफॉर्म जब ऐसे बड़े अगर सिलेक्शन के टाइम पे भी बैठ जाएं तो उसमें जो फसी भाई की ख्वाहिश है इंसान उनको भी पूरा कर सकेगा और उन लोगों को सिलेक्शन। अच्छा, मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी, बिल्कुल आप लोगों ने सही बात की, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे भी इशू ये लगता है अगर हम ऐसे कलाम बच्चों जो पढ़े होते हैं फासलों को तकल्लुफ या कोई सा भी हम रखते हैं तो उस पर फिर हमें ही वो क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये तो सीधा कलाम। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सिंपल हो गया, ये भी कहा जाता है एग्जैक्टली कि सिंपल हो गया थोड़ा। ठीक है जी, ये तो गुफ्तगू जारी रहेगी और यही इसकी खूबसूरती है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और बच्चों को बहुत मौका दिया जाता है। अच्छा जनाब, आज चूंकि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र रहा और हमें सोचना और देखना यह कि हम अपनी ज़िंदगी में जब ये जिक्र करते हैं इन आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ का तो हम सीखते क्या हैं, हम क्या इस शो से लेके जाते हैं, मैं आप हम सब, तो ये वक्त ऐसा है दुआओं का और कबूलियत का वक्त है। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी दुआ कीजिए, अपने मुल्क पाकिस्तान अपने वतन के लिए दुआ कीजिए। और ये वक्त क्योंकि जैसे जैसे रोज़ेदार का वक्त जो इफ्तारी का वक्त करीब आता जाता है तो अल्लाह पाक और उसके ज़्यादा करीब होकर सोने लग जाता है, तो अपने लिए और हम सब के लिए दुआ तो कीजिए। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन, आमीन। और शाद रहिए, आबाद रहिए सवाए गम हुसैन के, आप लोगों को कोई गम ना हो, आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं अल्लाह पाक आपको वहीं सुकून और राहत की जिंदगी अता करें और अल्लाह करे हम आपको बहुत अच्छा नात इंशाल्लाह। और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए सजाई है पूरी महफिल, तो हमें फीडबैक देते रहिए ताकि उस हिसाब से अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। जनाब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती, देखते रहिए रमजान का समा।